वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 22 करने वाले हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम एक्सरसाइज 22.1 में जो फर्स्ट पार्ट है वो करा चुके हैं आपको कंप्लीट। आपको इसके जो सभी प्रीवियस पार्ट्स हैं उनका लिंक चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेगा, और फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसके 22.1 के सभी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो 22.1 में जो फर्स्ट पार्ट है ये सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं। यहाँ पर आज हम इसमें देखने वाले हैं 22.1 में सेकंड पार्ट। देखो इसमें भी आपको मीन ही फाइंड करना, लेकिन जो भी हमने मेथड्स यहाँ पर देखे हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, इन सभी मेथड्स का आपको यूज़ करना है और उसकी मीन फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन वही है सिंपल, जैसे हम सेरिना कॉन्साइज में करते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट वाला कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम इसके ऑल मेथड देखेंगे, ऑल थ्री मेथड, जैसे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसका। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है इसका ए, इसमें सबसे पहले आप टेबल ड्रॉ करोगे, इसमें क्लास इंटरवल एंड ये फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमने इसकी टेबल ड्रॉ की है। अब इस टेबल को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, अगर इसमें हमें मीन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एक्स फाइंड करते हैं, और अगर हमारे पास एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है तो इसमें एक्स फाइंड कैसे करते हैं, इन दोनों का एवरेज लेते हैं, मीन्स लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं एंड इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोअर लिमिट जो है इसकी एंड ये अपर लिमिट, ओके, इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 50/2, 25, ओके। एज सेम इसमें दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 35। यहाँ पर दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर होगा हमारा 45। इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ होगा 55, यहाँ पर होगा 65, एंड यहाँ पर कितना होगा, 70/80, ये हो जाएगा हमारा 150 का हाफ, 75। ये होगा सिंपल x की वैल्यू। नाउ x ये हो गया हमारा, देन आप क्या करते हो इसमें एफ एक्स फाइंड करते हो डायरेक्ट मेथड के लिए। इसमें क्या करते हैं हम एफ एक्स, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई, एफ एक्स की मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ रहा है, 250, एंड 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो 70 एंड 73 जा, ये कितना होगा, 73 जा 210 होगा, 6 30 0 3 6 3 18 और 3 21, 8 से मल्टीप्लाई करो 45 को, 45 2 90 होते हैं, 94 जा 360 होगा ये, 8 5 40 04 8 4 32 और 4 36, करेक्ट है। एंड देन 12 से 55 को मल्टीप्लाई करो, 12 5 60 एंड 60 660 हो जाएगा, ये हो जाएगा 660। 5 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 एंड 5 5 25, 30 एंड 5 5 25, 325, ओके। 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, अगर 10 होता है यहाँ पर तो 750 होता, तो अगर यहाँ पर 10 होता ये होता हमारा 750, तो 750 में से कितना माइनस करेंगे, 750 में से 75 माइनस करना होगा, क्यों, क्योंकि इसको हम 10-1 बोल सकते हैं, 750-75, तो 750-75 55 ये कम कर दिया हमने, एंड 25 और कम कर देंगे तो 675 आएगा मे बी। 9 5 45 4, 9 7 63 एंड 467, करेक्ट है, ओके एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे सबसे पहले सिग्मा एफ, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर इनको सम करो आप, कितना आ रहा है, देखो 10 इसको अलग ले लो आप, एंड ये 10 और 20 एंड 10 30, 30 के बाद 9 plus 6 15 15 और 5 20, तो 20 ये हो गया हमारा, 20 हो गया एंड ये 10 हो गया 50, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 50, यहाँ पर सम कितना होगा 50, ओके। ऐसे ही सेम सिग्मा एफ एक्स फाइंड करें हम कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स फाइंड करेंगे हम कितना आएगा, इन सभी को प्लस कर लो आप, यहाँ पर इन सभी को प्लस कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 2480, और अगर आप इसका मीन फाइंड करोगे तो मीन कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स क्या है, 2480 एंड डिवाइड बाय 50, 00 कैंसिल करो इसको, 5 4 20, फिर 4 कैरी, 5 9 45, 3 कैरी 5 6 30, 49.6, ओके। ये हो गया हमारा 49.6 इसमें फर्स्ट मेथड इसका, डायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड से हो गया हमारा, लेकिन अब हम इसमें देखेंगे किसको, जो हमारा सेकंड मेथड है, शॉर्टकट मेथड और फिर स्टेप डेविएशन मेथड से। ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड से हो गया, लेकिन अगर इसी को ही हम क्या करें,
शॉर्टकट मेथड से करें तब हम क्या करते हैं, तो उसमें हम डेविएशन फाइंड करते हैं सेकंड वाले में। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, शॉर्टकट मेथड ओके करते हैं इसको। देखो क्या करेंगे सिंपली, इसमें इसमें ये वाले टेबल के बाद ये एफ एक्स नहीं लेना होता, हमें क्या फाइंड करना होता है पहले इसमें डी, क्योंकि इसमें हम एफ डी फाइंड करते हैं। और डी कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये वाले टेबल नहीं लेना होता इसमें, हमें सिर्फ क्या लेना होता है ये डी फाइंड करना होता है। डी क्या होता है हमारा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए होता है, ए या ए माइनस एक्स होता है, तो एक्स माइनस ए होता है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ सेलेक्ट करते हैं हम इसमें से, ए एज्यूम मीन लेट कर लेते हैं इसमें। देखो हम 25, 35, 45, 55 इसमें कोई भी वैल्यू, जैसे 45 भी लेट कर सकते हैं और 55 भी। अगर हम 55 लेट करते हैं देखो आंसर यही आना चाहिए 49.6। अगर हम यहाँ से मीन फाइंड करते हैं, एक्स माइनस ए करना है आपको, देखो एक्स माइनस ए करो इसको। अगर हम इसको एज्यूम मीन लेट कर रहे हैं ए, देन एक्स माइनस ए मीन्स 25 माइनस 55 मिलेगा हमें माइनस 30 ओके। 35 माइनस 55 ये कितना मिलेगा आपको, माइनस 20। 45 माइनस 55 मिलेगा आपको -10। 55 का यहाँ पर 0 ओके। 55 और ये होगा हमारा 10, यहाँ होगा हमारा 20 एंड यहाँ पर होगा ये हमारा 30। सॉरी यहाँ 20 तक ही रहेगा हमारा, इसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं है। इसके बाद आप क्या करते हो इसमें f इंटू डी फाइंड करते हो। एक और कॉलम बनाते हैं हम इसमें, जिसमें फाइंड करते हैं f d, f और d की मल्टीप्लाई। एफ और डी की मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे हम, एफ और डी देखो ये रहा एफ एंड ये रहा डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -300 एंड 6 से मल्टीप्लाई करो 20 को, -120 एंड 8 से इसको मल्टीप्लाई करो -80 एंड 12 से मल्टीप्लाई करो 0 एंड 5 से मल्टीप्लाई करो 50 ओके एंड 9 से मल्टीप्लाई करो 9 to 18 ये हो जाएगा सिंपली, ये हो गया एफ डी ओके 9 to 18 180 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एफ डी। अब सिंपली हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे इसमें सिंपल, सिग्मा एफ डी करो इसमें, ये 300 और ये 400 और ये 500 मीन्स 500 हो जाएगा, 3, 4 and 500 ये माइनस में एंड ये कितना आ रहा है प्लस में, ये प्लस में आ रहा है 230 हो जाएगा। तो 230 माइनस कर दो आप, ये माइनस का ही मिलेगा हमें कितना, 500 और माइनस 230 करेंगे हम, 230 आ रहा है तो मिलेगा आपको 270, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस का 500 ग्रेटर है। अब ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 270 माइनस में। देन आप क्या करते हो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या कहता है मीन फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड में, ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ, ये करते हैं हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने ऐड की 55 प्लस यहाँ पर माइनस में 270 आ रहा है एंड डिवाइड में सिग्मा एफ आ रहा है 50, डिवाइड कर लो ये कितना मिलेगा आपको 55 एंड माइनस में डिवाइड करो इसको कितना आएगा, 5 5 25.5 4 20 माइनस करो कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 10 में से 4 6 एंड फिर यहाँ पर मिलेगा आपको कितना 9 में से 5 4 सॉरी देखो 55 है और पॉइंट लगाकर जीरो ले लेते हैं इसमें क्योंकि हम 5.4 माइनस कर रहे हैं, एक जीरो ले सकते हो आप, पॉइंट वन इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 4 6 या 4 फिर 1 कर लेंगे 14 में से 5 कितना आएगा, 14 में से 5 9 ही होगा 49. यहाँ पर कितना हो गया 49.6 ये आ गई हमारी मीन ओके 49.6 मीन आ गई। देन आप क्या करोगे इसमें फाइंड, देन आप यहाँ पर फाइंड करोगे इसमें सिंपली थर्ड पार्ट इसका, थर्ड क्या है इसमें शॉर्टकट मेथड के बाद है स्टेप डेविएशन मेथड। देखो स्टेप डेविएशन में कैलकुलेशन और भी ज़्यादा इजी हो जाती है, कैसे स्टेप डेविएशन मेथड बेस्ड है एज्यूम मीन पर ही,
देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, यू फाइंड करते हैं इसमें, ठीक है, या फिर हम उसे टीवी बोल देते हैं कहीं पर। तो इस जो स्टेप डेविशन मेथड है, इसमें हमें यू फाइंड करना होता है, और यू कैसे फाइंड होता है, डी फाइंड करने के बाद। या तो आप डायरेक्ट क्या कर लो भाई, यू फाइंड करने के लिए डी अपॉन में आई कर लो, डी अपॉन में आई। आई क्या है, क्लास साइज, इसका क्लास साइज कितना, देखो 10 10 का डिफरेंस है, तो 10 से डिवाइड करना जितनी भी डी वाली वैल्यू आई है। देखो अगर हम यहाँ कर रहे हैं स्टेप डिवीजन मेथड, तो ये वाला कॉलम नहीं लेते हैं हम, डिफाइंड करने के बाद आप यू फाइंड कर लेते हैं। तो यू फाइंड आप डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे, क्योंकि डी और डिवाइड बाय आई होता है यू। तो यहाँ पर अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें तो -3, 10 से डिवाइड करें -2, 10 से डिवाइड करें -1, यहाँ पर 0, 10 से डिवाइड करें 1, 10 से डिवाइड करें 2, एंड यहाँ पर ये हो गया हमारे पास एफ यू। अब हम क्या करेंगे इसमें, एफ यू फाइंड करेंगे। एफ यू फाइंड करने के लिए एफ और यू की मल्टीप्लाई -30, एफ इंटू यू -30, 6 इंटू टू -12, 6 इंटू टू -12, 8 इंटू वन -8, 12 इंटू ज़ीरो 0, 5 इंटू वन 5, 9 इंटू टू 18, ये होगा सिंपली हमारा, ओके ये होगा सिंपली। देन आप क्या करोगे इसमें, इनको ऐड करो, आप इनको ऐड करोगे अगर आप, कितना मिलेगा, ये आ रहा है 20 एंड ये 50, माइनस में 50 होगा, एंड ये आ रहा है हमारे पास 23। दोनों को माइनस करोगे -27 मिलेगा आपको सिग्मा एफ डी, सॉरी एफ यू। और यही सिग्मा एफ यू हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, सेम फॉर्मूला है लेकिन इसमें सिर्फ आई की मल्टीप्लाई और हो जाती है, एफ यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ और इंटू में आई। ये ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए हमारे पास 55 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है -27, सिग्मा एफ कितना है 50, एंड आई की वैल्यू क्या है इसमें 10। सेम देखो वैसे ही हो गया जैसे ये वाली कैलकुलेशन बन रही थी हमारे पास, यहाँ पर भी कैलकुलेशन वही सेम आ गई, 55 -5.4 करेंगे, 5.4 माइनस देन आपको क्या मिलेगा, 5.4 माइनस करेंगे तो देन आपको मिलेगा 49.6, ओके। तो ये करना है आपको इन तीनों मेथड में। तो इसमें आपको क्या किया हमने, डायरेक्ट मेथड किया, फिर शॉर्टकट मेथड किया और स्टेप डेविएशन। सिंपल, डायरेक्ट मेथड आप सभी को आता ही है। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, डेविएशन फाइंड करते हैं। डेविएशन फाइंड करने के लिए इसमें से एक्स में से किसी एक वैल्यू, मीन्स मिडिल में जो वैल्यू आ रही है, आप 45 को भी ऐड कर सकते थे, 45 ऐड करके भी इसको कर सकते हो आप, 55 को भी कर सकते हो, कर तो आप 65 को 75 करके भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर मिडिल में कोई वैल्यू ऐड करते हैं देन आपको क्या मिलती है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। आप 45 से कर लेते हैं और हो सकता है कि और भी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। आप दोनों में से, क्योंकि मिडिल में यही वैल्यू बन रही है हमारी, इन दोनों में से किसी को भी ए ऐड कर लो, और फिर यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, डी फाइंड करना है। अगर हम स्टेप शॉर्टकट मेथड करते हैं तो डी, और डी में फिर एफ डी, फिर इन सभी का सम, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो स्टेप डेविएशन में क्या करना है आपको, स्टेप डेविएशन मेथड में सिंपल हमें क्या करना है, उसमें हमें यू फाइंड करना होता है, यू डी अपॉन आई से फाइंड करते हैं, ओके। फिर एफ यू ए हो गया हमारा, तो सिंपल ही हो गया हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये जो पार्ट था हमारा फर्स्ट, ओके। इसी टाइप से आपको उसका सेकेंड पार्ट करना है। देखो ये सभी क्वेश्चन हमारे इसी टाइप के हैं, आप सेकंड पार्ट भी इसका कर सकते हो, एंड सेकंड वाला पार्ट जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी सेम वही है, आपको मीन फाइंड करना है, कैलकुलेट द मीन बाय शॉर्टकट मेथड। मेथड हमने आपको बता दिया, सिंपल कर सकते हो शॉर्टकट मेथड से, एंड यहाँ पर भी आपको करना है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप डेविएशन से करना है आपको, लास्ट वाला जो मेथड किया था हमने, तो बस वही है, वही प्रोसीजर फॉलो करना है इसमें, सेम वही क्वेश्चन है, सिंपल आपको बस कैलकुलेशन करनी है, ईजिली हो जाएंगे ये हमारे। तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हम इतना इनको कर लेते हैं। अब जैसे हम इसमें लेस वाला जो क्वेश्चन आता है इनको देखते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको ध्यान से देखो, इसमें जो लेस बोल रहा है इसका मीनिंग क्या है, ये कह रहा है कि लेस देन 50 डेज से कम क्या आ रहे थे हमारे पास, नंबर ऑफ बल्ब, ये द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम इन डेज ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ अ सर्टेन मेक। तो मीन्स लाइफ टाइम 50 डेज से कम लाइफ टाइम कितने बल्ब के, 7, लेस देन 100, जब ये लेस देन 100 करेगा तो उसमें 50 वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो इसका मीनिंग ये जो वैल्यू गिवन की होती है वो क्या गिवन की होती है आपको, सी एफ। मीन्स अगर हम यहाँ पर क्लास इंटरवल ले रहे हैं, ओके, और क्लास इंटरवल कुछ इस टाइप से ले रहे हैं, हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, लेस देन
अगर हम लेस देन 50 ले रहे हैं तो ध्यान से देखना आप, और हम इसको लेट कर रहे हैं क्या सी एफ, या फिर एफ वाला टेबल हम यहाँ बनाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे सी एफ। और हमें गिवन क्या है, गिवन सी एफ गिवन क्या है, 7। लेस देन 100 को हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, हम इसको हम सेपरेट कर लेते हैं 50 से 100 के बिटवीन। मीन्स हम जो लेस देन 100 ले रहे थे, लेस देन 100 में 50 भी इंक्लूड कर दिए थे, तो यहाँ पर हम 50 वाले हटा देते हैं, हम 50 टू 100 ले लेते हैं। मीन्स इसको करेक्टली ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, 100 टू कितना होगा 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, ओके कर लो आप इसमें फ्रीक्वेंसी, या 7, यहाँ पर 21, यहाँ पर 52, यहाँ पर 79, यहाँ पर 91, और यहाँ पर ये 100, ओके ये होगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो सी एफ के बाद हम इसमें एफ कैसे फाइंड करेंगे, लेस देन 50 कह रहा है कि लेस देन 50 कितने बंदे हैं, 7 है, मीन 7 बल्ब है, तो यहाँ पर 7 ही रखेंगे हम। अब ध्यान से देखना, अगर लेस देन 100 21 बल्ब्स हैं लेकिन 50 से लेस में तो 7 आ रहे हैं, तो 7 माइनस कर दो इसमें से, 7 माइनस करोगे कितना आएगा, तो अगर ये 20 होता तो 13 आता, भी आएगा 14। तो 14 बल्ब ऐसे हैं जो सिर्फ 50 से 100 के बिटवीन है, समझ रहे हो आप। फिर नेक्स्ट अगर हम आते हैं 100 टू 150, देखो 100 टू 150 काउंट करना है, देखो लेकिन ये कह रहा है कि 150 से लेस 52 बल्ब्स हैं। अब देखो 100 बल्ब कितने हैं, लेस देन 100 कितने हैं, 21 बल्ब, ये जो वैल्यू है वो लेस देन 100 है, मीन्स 100 से कम कितने बल्ब आ रहे हैं, 14 और ये 21, तो 21 माइनस 52 कर लो आप, 21 माइनस 52 करेंगे अगर हम, तो कितना मिलेगा 31, ओके ये मिलेगा आपको 31। नेक्स्ट 150 टू 200 चाहिए, तो 150 में कितने बल्ब हैं, 52, तो यहाँ पर 52 माइनस करो कितना मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 27, ओके ये होगा 27। नेक्स्ट अगर इन दोनों को माइनस करेंगे हम कितना मिलेगा, तो 180 और फिर 10 एंड 1 12, इसमें 12 ऐड कर दो, तो इसका मीन्स इन दोनों को माइनस करेंगे तो 12 बल्ब हैं जो सिर्फ इसके बिटवीन लाइफ कर रहे हैं 200 टू 250, जिनकी लाइफ 200 टू 250 के बिटवीन है, और बच जाते हैं हमारे पास रिमेनिंग इन दोनों को माइनस करने पर 9। आप इन सभी को प्लस करके देख लो, यही बन रहा होगा, देखो 7 प्लस 14 21, 20 प्लस 31 52, 50 2 प्लस 27 79, 79 प्लस 12 91, 91 प्लस 9 100। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई हमें, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तभी हम मीन फाइंड कर सकते हैं। और अगर इसका अब आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना, फ्रॉम दिस टेबल कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड हैंस फाइंड द मीन लाइफ टाइम ऑफ दिस बल्ब्स। तो हमने क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ किया। अब इसका मीन अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे करोगे, मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स चाहिए, फिर एफ एक्स चाहिए। एक्स कैसे फाइंड करते हैं, इसमें करते हैं, तो लेस देन 100 मीन्स 0 टू 50 ले सकते हैं, यहाँ पर हम 0 टू 50 भी ले सकते हैं हम लाइफ टाइम, ठीक है। तो 0 होगा या फिर एक भी दिन नहीं होगा उसकी लाइफ टाइम, या फिर 50 के बिटवीन रहेगी, तो 0 टू 50 में अगर हम एक्स फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है, 0 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 करेंगे 25, ये 25 इन दोनों को प्लस करो, 150 डिवाइड बाय 2 ये कितना मिलेगा आपको, 75। इन दोनों को प्लस करो, 250 और 250 डिवाइड बाय कितना 2 करेंगे। अब देखो अगर इनमें 50-50 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ भी 50-50 का डिफरेंस आ रहा है, 25 प्लस 25 कर दो, 50 कर दो 75, फिर प्लस 50 कर दो तो मिलेगा 125, प्लस 50 कर दो मिलेगा 150, प्लस 50 कर दो कितना मिलेगा 200 मिलेगा। यहाँ पर अगर हम 50 करेंगे तो 175 मिलेगा ना, ये होगा हमारा 175। अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो, फिर इसमें 50 प्लस करेंगे तो मिलेगा आपको 225, और फिर 50 प्लस करेंगे तो 275, ये होगी इसमें x की वैल्यू। x की वैल्यू के बाद आप क्या करते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड, या फिर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, या फिर स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट करोगे तो एफ और एक्स ही मल्टीप्लाई करनी, देखो कितना लॉन्ग हो जाएगा ये, इसमें हम यूज़ करते हैं क्या, स्टेप डेविएशन करते हैं, या फिर शॉर्टकट मेथड कर लो सेकंड वाला। तो डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के लिए एक्स में से किसी एक को हम क्या लेट कर लेते हैं, ए।
अगर हम इसको ए लेट कर लेते हैं यहाँ पर, देन डी क्या होता है, ए माइनस एक्स, एक्स माइनस ए सॉरी, एक्स की वैल्यू 25, 25 माइनस 175, 150, 75 माइनस करोगे कितना आएगा, ये आएगा 100, और ये होगा हमारा फिर देखो यहाँ भी 50 50 का गैप आ रहा है, 50 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 50 और यहाँ पर फिर ये 50 50 का ही गैप आना चाहिए। इन दोनों को माइनस करेंगे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए 50, और फिर इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है 100, ये आ गया सिंपली। और इसके बाद हम क्या करते हैं, या तो अगर आप शॉर्ट रन मेथड कर रहे हो एफ और डी की मल्टीप्लाई कर लो, ईजी एफ डी की मल्टीप्लाई करना भी, तो अगर हम 7 इंटू 15 करें तो कितना मिलेगा, एफ डी फाइंड कर रहे हैं अगर 15 7 जो कितने होते हैं, 15 7 जो होते हैं हमारे 105, 105 होते हैं ना, ठीक है 105 हो गया, तो 105 और एक ज़ीरो और तो माइनस में 14 से 100 को मल्टीप्लाई करो तो 1400, 31 से 50 को मल्टीप्लाई करो, 5 1 5, 5 3 15, एंड 27 से 0 करो 0, 12 से इसको करो 600, 9 से इसको करो 900, ओके। अब ये एफ डी हो गया, अब इन सभी का कर दो सम, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी करोगे कितना मिलेगा, इन सभी का सम करो और इनका सम करो कितना आ रहा है, इन सभी का सम करो कितना आएगा, 0 0 0, 5 और 5 10, 0 1 कैरी, 1 कैरी तो 1 और 4 5, 5 और 5 10, 0 फिर 1 कैरी, 1 2 3 4, ये होगा हमारा 4000, टोटल 4000 आ रहा है हमारा माइनस में, एंड इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1500 प्लस में, ओके ये हो गया, तो 4000 माइनस में 1500 प्लस में, ये सिंपल वैल्यू आ रही है हमारी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे क्या मिलेगा सिग्मा एफ डी, ये मिलेगा हमें माइनस में कितना 2500, ओके ये माइनस में 2500 मिलेगा। नाउ सिग्मा एफ फाइंड कर लेते हैं, सिग्मा एफ फाइंड करने के लिए आप इन सभी को प्लस करो कितना आ रहा है, देखो 100 ही आएगा। नाउ मीन फाइंड करते हैं, शॉर्टकट मेथड से मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है हमारा, इसमें हम ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ करते हैं, कर लो सोल्व कितना मिलेगा, ए की वैल्यू है 175 प्लस ये हमारे पास माइनस 2500 एंड ये डिवाइड बाय 100, 2 0s 2 0s कैंसिल, 175 माइनस 25 करोगे कितना मिलेगा, 150 मिलेगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 150। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस टाइप से करना था आपको, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, जैसे 6 इसमें कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है मीन फाइंड करना है, कर सकते हैं। 7th में स्टेप डेविएशन मेथड, सिंपल स्टेप डेविएशन मेथड से आप उसको मीन फाइंड करना है आपको, सिंपल ये देखो मीन फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, इजी क्वेश्चन है। फिर ये लेस देन वाला, फिर अगेन क्वेश्चन आ जाता है, एंड कैलकुलेट द मीन मार्क्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, और फिर मीन मार्क्स करना है आपको 2 डेसिमल प्लेस में। तो लेस देन वाले में अभी हमने बताया था कि भी कैसे करते हैं, कि हमें सी एफ गिवन क्या होता है, सी एफ गिवन क्या है अगर हम, तो फिर इसमें हम एफ फाइंड करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड करते हैं, देन आप किस क्या करते हो इसमें मीन फाइंड करते हो। मीन फाइंड करने के लिए एनी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, एनी वन डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, ओके। वी हैव 3 मेथड्स टू फाइंड टू कैलकुलेट द मीन, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सिंपली सोल्व कर लेंगे इसको और इजीली हो जाएगा। देखो अगर हम इसका टेबल ड्रॉ करें, वैसे आप कर सकते हो, इसमें इतना टफ भी नहीं है, टेबल ड्रॉ करने के लिए सिंपल अभी हमने बताया था आपको क्या करते हैं, तो अगर लेस देन वाला है तो बस हम यहाँ करेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 and 35 to 40, ओके ये करते हैं हम। यहाँ पर एक क्लास इंटरवल, एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर 3, 10, 25,
49, 65, 73, 78 and 80। ओके, ये होगा सिंपल, ये सिंपल होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, CI हो गया, F हो गया सिंपल। अब हम क्या करेंगे इसमें, कैलकुलेट द मीन मार्क्स करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस में हम इसका मीन फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे इसका। लेकिन ये जो है ना, ये CF है, पहले इसका F फाइंड करते हैं। इसमें फर्स्ट वाली स्टेप में सेम रहता है, फिर इसको 10-3 करते हैं 7, फिर यहाँ पर क्या करते हैं इससे इसको माइनस करते हैं, जैसे इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि लेस देन 10 अगर माइनस करेंगे तब हमारा 10-15 वैल्यू मिलेगी। 10 माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा, 15। फिर यहाँ पर 49-25 करते हैं 24, 65-49 करते हैं तो कितना मिलता है, ये मिलेगा 5 और 16, ये मिलेगा 16। ओके, फिर इन दोनों को माइनस कर लेंगे कितना मिलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 8, सिंपल 8 मिल रहा है। ओके, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना मिलेगा, ये मिल रहा है 5, और इन दोनों को माइनस कर रहे हैं ये मिल रहा है हमें 2। ओके, ये सभी मिल जाएंगे इसमें वैल्यूज़, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर आपको क्या करना है, सिंपल एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए आप इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, 2.5 मिलेगा। इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, देखो अगर इसमें 5 5 का डिफरेंस है, इनमें यहाँ पर 5 5 का डिफरेंस होगा, यहाँ पर 7.5, यहाँ पर 5 और ऐड करेंगे इसमें कितना होगा 12.5, एंड इसमें 5 और ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 17.5, इसमें 5 और ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 और ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 7 और 5 12, और ये होगा हमारा 22.5, 5 ऐड करेंगे 27.5, 5 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 32.5। ओके, इसमें 5 ऐड करेंगे 37.5, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल x की वैल्यूज़। तो x की वैल्यूज़ हो गई। फिर आप देखो, या तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो कि एफ एक्स इनको मल्टीप्लाई करो, सम कर लो, या फिर बेस्ट इसमें क्या होगा कि आप इसमें स्टेप डेविएशन मेथड या फिर सेकंड वाला डायरेक्ट मेथड, सेकंड वाला तो है हमारा क्या शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड वाला स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करोगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी होगी अगर इसमें हम स्टेप डेविएशन या फिर शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड वाला शॉर्टकट है और थर्ड वाला क्या है स्टेप डेविएशन। तो अगर हम डी फाइंड करते हैं इसमें, तो देखो इसमें से कोई एक वैल्यू हम लैड कर लेते हैं, जैसे हमने इसको लैड किया ए, और अगर हमने इसको लैड किया ए और डी क्या होता है एक्स माइनस ए, देन 2.5 माइनस कितना 22.5, तो मिलेगा आपको 20 भी माइनस में। फिर देखो यहाँ पर 5 5 का डिफरेंस है, तो इसमें 5 5 का डिफरेंस आएगा, इसको माइनस करो इसमें से तो मिलेगा आपको कितना 15, फिर मिलेगा -10, फिर मिलेगा -5, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पर करेंगे हम कितना मिलेगा 5 10 15, ये होगा। नाउ हम इसमें फाइंड करेंगे एफ डी, एफ डी फाइंड कर लो डायरेक्ट एफ एंड डी। तो हम यहाँ पर क्या कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड सेकंड, 32 60 एंड 7 15 7 जा कितना होते हैं हमारे 105, माइनस में 150 हो जाएगा ये माइनस में, एंड 24 -5 120 होगा माइनस में, 5 4 20 5 2 ठीक है करेक्ट है। फिर 16 2 0 0, 8 5 40, 5 10 50, 2 into 15 कितना होगा 30। ओके, ये होगा सिंपल। अब इन सभी को कर लो प्लस, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू यानी ये प्लस वाली वैल्यू, ये कितना आ रहा है प्लस वाली वैल्यू 40 50 and 30, 40 50 30, ये कितना दे रहे हैं हमें 80 and 120, 120 दे रहा है ना, तो 120 से 120 कैंसिल कर लो, सिर्फ ये वाली वैल्यू नेगेटिव में आ जाएंगे हमारी। ये कितनी आएंगी, ये आ जाएगा हमारा 200, ये हो गया 200 and 310 and 315, ये होगा सिग्मा एफ डी कितना 315। ओके, ये 315 आ रहा है, देखो 5 and यहाँ पर ये 5 और 6 11 1 1, ठीक है तो ये आ रहा 315 आ गया हमारा सिंपल। अब हम क्या करेंगे इसमें मीन फाइंड करने के लिए, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए की वैल्यू क्या
22.5 प्लस ए की वैल्यू है 22.5 एंड सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी -315। सिग्मा एफ कितना होगा, इन सभी को प्लस कर लो, तो इन सभी को प्लस करेंगे हमें 80 मिलेगा, यहाँ पर 80 कर लो सोल्व इसको 22.5 माइनस, सोल्व करो 8 से इसको करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा 8 4 32 होता है, यहाँ पर 8 3 24 6 और 1 7 75, फिर 8 9 72, फिर 3 कैरी आएगा 30, फिर 8 3 24, फिर 6 आएगा 60 के लिए, 8 7 56 फिर 4 होगा हमारा, फिर 8 4 32 85 ये हो जाएगा हमारा, लेकिन 10 से फिर अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3.9 के समथिंग इसकी वैल्यू होगी, 3.9375। अब इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, अगर आपको 2 डेसिमल में चाहिए आंसर तो भाई इसको राउंड ऑफ करके 3.94 लिख लो आप, ये क्या कह रहा था, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर देखो 22.5 के साथ एक जीरो ले सकते हैं, यहाँ पर 3.9 यहाँ पर क्या है 3 के आगे एक वैल्यू, 5 से ग्रेटर, तो यहाँ पर 4 लेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 22.50 माइनस 3.94 करो कितना आ रहा है, 10 में से 4 6 10 में से 4 6 यहाँ पर 4 14 में से 9 14 में से 9 माइनस करेंगे हम कितना आएगा, 14 में से 9 5 ओके, एंड यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1 हो गया, तो फिर यहाँ पर 11 में से 3 कितना होगा 8 और यहाँ पर होगा 1, तो कितना आ रहा 18.56 ये इसका आंसर होगा। चेक कर लेते हैं आंसर यही आ रहा है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 का ही हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या आ रहा है 18.56 करेक्ट है ओके, ये करना था इसमें हमें सिंपल, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा, आंसर क्या है 18.56। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, सेम आप देख सकते हो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 कि फाइंड द मीन ऑफ द हाइट ऑफ 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये करना है आपको सिंपल कि फाइंड द मीन ऑफ द हाइट, ये हो गया हमारे पास सिंपल, इसमें भी आप कर सकते हो मीन फाइंड, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यूस नहीं है फ्रीक्वेंसी, जैसे 150 का 154 है तो यहाँ पर फिर 155 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले इनको अरेंज करके एक्सक्लूसिव करेंगे ओके, कंटिन्यूस बनाएंगे एंड देन आपको क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही केस है देखो, कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, 29 के बाद गैप आ रहा है 30, यहाँ पर गैप नहीं आना चाहिए, तो इसको गैप को हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं एंड देन फाइंड करते हैं इसमें क्वेश्चन, इसमें से कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फ्रीक्वेंसीज मीन्स क्लास इंटरवल हमारे पास कुछ इस टाइप से हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन की है, तो पहले हम इसकी कंटिन्यू क्लास इंटरवल फाइंड कर लेते हैं या फिर आफ्टर एडजस्टमेंट क्लास इंटरवल क्या होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हो एक्सक्लूसिव सी आई, इसके लिए हम क्या करते हैं देखो 0.5, अगर इनमें 1 का गैप है 154 के बाद 155, तो 1 का गैप है तो 1 का हाफ 0.5 इसमें माइनस करते हैं, 0.5 इसमें प्लस, 0.5 इसमें माइनस करो कितना आएगा 149.5 एंड यहाँ पर कितना होगा प्लस करेंगे तो 154.5 ये होगा सिंपल। अब ऐसे इसमें इसमें माइनस करेंगे तो 154.5 एंड इसमें प्लस करेंगे तो 159.5 ऐसे यहाँ पर 159.5 एंड यहाँ पर प्लस करेंगे 164.5 यहाँ माइनस करेंगे 164.5 और यहाँ प्लस करेंगे तो 169.5 यहाँ पर 169.5 एंड यहाँ पर करेंगे तो 174.5 ये होगा सिंपल, ये हो गया हमारे पास एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल इसका। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी 820, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं इसकी 820 36 24 36 24 एंड 12 ओके। ये फ्रीक्वेंसीज के बाद आपको क्या करना है इसका मीन फाइंड करना है। अब देखो अगर आपको मीन फाइंड करना है तो डायरेक्ट मेथड से बिल्कुल मत करना, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हो जाएगा काफ़ी टफ, क्यों, क्योंकि जब हम इसमें एक्स फाइंड करेंगे तो देखो इसके जो एक्स क्लास मार्क है इसको हम क्लास मार्क बोलते हैं,
ये जो क्लास मार्क है इसका, क्या करेंगे इसमें हम, इसमें इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड। करो इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई, इसको अगर हम 5 इधर दे दें तो ये 150 होगा। तो 150 एंड 154 दोनों को प्लस करो, 150 एंड 150 होता अगर तो कितना आता है, 150 एंड 150 होता तो देन ये क्या कितना मिलता है हमें, 150 एंड 150 300, 300 का हाफ करते हैं, 300 का हाफ कर देते हैं हम तो कितना मिलता है हमें, 150। तो इनका एवरेज 150 आता। क्या यहाँ पर अभी भी 150 आ रहा है, अब तो नहीं आ रहा 150, 0.5 माइनस किया एंड 0.5 प्लस किया, कितना आ रहा है इन दोनों को प्लस करने पर, इन दोनों को प्लस करने पर आ रहा है 150 एंड 154, 299 आ रहा है क्या, 0.019 और 10, 14 का 4, 2 से डिवाइड करेंगे ना फिर हम इसको। ओके अगर हम इसमें क्या देख रहे हैं, 149.5 एंड 154.5, इसको अगर हम इधर कर दें, एक इसको दे दें तो 150 एंड 154 है, 150 एंड 154 है तो 304 होगा ना इसका आंसर, 0, 1, 9, 10, 114 का 4, 1, 10, 0, 1, 3, 0, 4, तो 304 आ रहा है। 304 का भी हाफ अगर हम करते हैं कितना मिलता है, 2, 1 ज़ा 2, 2, 5 ज़ा 10, 2, 2 ज़ा 4, 152, ये मिलेगा आपको 152। इनमें कितने का गैप है ये देखो आप, गैप कितने का आ रहा है, 5, 5 का गैप आ रहा है इसमें, तो अगर इनको माइनस कर रहे हैं तो कितने का गैप मिल रहा है आपको, 5 का ही गैप मिल रहा है, यस। और अगर हमें 5 का गैप मिल रहा है, 5 है 6 है 5 है, तो 5 का गैप अगर हमें मिल जाता है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इसमें 5, 5 ऐड कर लो, क्योंकि आप सोल्व करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी आपको, 5, 5 ऐड कर लो, इसमें 5 ऐड कर लो आप तो कितना हो जाएगा, 157, फिर 5 ऐड कर लो तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 162, फिर 5 ऐड कर लो 167 एंड फिर 5 ऐड करेंगे 172, ये वैल्यूज मिल जाएंगे हमें। देखो इसमें भी ये वैल्यू आने के बाद अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करते हो तो इनको मल्टीप्लाई करना होगा, काफ़ी टफ हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं फिर इसमें सिंपल जो सेकंड वाला मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड, उसका यूज़ करते हैं। कैसे कि हम डिफाइंड कर लेते हैं, डिफाइंड करने में क्या करना है सिंपल, एक्स माइनस ए, इसमें से किसी एक को एक वैल्यू को क्या लेट करते हैं हम, ए लेट करते हैं, तो इसको लेट कर लेते हैं 162 को ए लेट किया हमने, माइनस करो एक्स माइनस 152 तो कितना आ रहा है 10, तो ये होगा हमारा माइनस में 10, ये माइनस में 5 एंड ये 0, फिर ये 5 एंड फिर ये 10, ये होगा सिंपल। फिर देन हम क्या करेंगे इसमें f की मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू डी करेंगे तो कितना होगा माइनस 80, 20 इंटू 5 कितना होगा माइनस 100, 36 इंटू 0, 0, 25, 24, 5 ज़ा कितना होते हैं, ये होते हैं 120, 12, 10 ज़ा 120, ये होगा हमारा सिंपल। सोल्व कर लो इसको कितना होगा माइनस 180, इनको सोल्व कर लो 240, इन दोनों करो प्लस माइनस माइनस तो कितना मिलेगा सिग्मा एफ डी, ये मिलेगा आपको 20 एंड ये 60, तो ये 60 मिल रहा है आपको, ये हो जाएगा 60 सिंपल। ओके एफ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 60, ये 60 हो गई हमारी एफ डी की वैल्यू। देन एक्स फाइंड कर लो आप इसमें, एक्स इजिकल्स टू क्या होगा मीन्स मीन फाइंड कर लो, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये करते हैं हम। यहाँ पर कितना होगा, ए की वैल्यू क्या है हमारी 162 प्लस ये आ रही है हमारी वैल्यू 60 एंड सिग्मा एफ कितना आएगा, देखो इनको ऐड करो आप, सिग्मा एफ भी हमारा नियरली कितना आ रहा है 36, 24, तो ये 50 एंड ये 60 आ गया, 60 एंड ये 20, 60, 20 ये हो जाएगा हमारा 60, 20, 80 एंड 20, 100, टोटल 100 आ रहा है हमारा, इसको कर लो आप तो 162 एंड 10 से डिवाइड करेंगे 0.6, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा ये हमारा 162.6, ये इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9th में। ओके क्वेश्चन नंबर 9th हो गया हमारा सिंपल 162.6।
नेक्स्ट देखो, इसमें जो क्वेश्चन हमें गिवन किए हैं वो जैसे 11, 12, ऐसे सेम 10th भी कर सकते हो जैसे हमने 9th किया, ऐसे 11th वाले में आप क्या कर सकते हो। इसमें भी देखो, इसमें हमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे इसमें ए अननोन फाइंड करना है, इसमें पी एंड क्यू करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, तो इसको इनको देख लेते हैं। करना वही है इसमें भी, देखो यहाँ पर सिंपल है, इसको आप सिंपली कर सकते हो कि पहले आप एक्स फाइंड कर लोगे, एक्स फाइंड हो गया और फिर हम फ्रीक्वेंसी में ए अननोन है, फ्रीक्वेंसी में ए अननोन है, तो सेम आपको करना है क्वेश्चन जैसे हमने अननोन वाले क्वेश्चन यहाँ पर भी किए थे, सेम ऐसे ही हो जाएगा ये। ओके, सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो सिंपल, हम इसमें सेकंड वाला 12th वाला क्वेश्चन करते हैं, 12th वाला करते हैं। अगर ऐसा ही आपको इस क्वेश्चन का सैंपल चाहिए तो आप सेलिनो कॉन्साइज पर हमारे स्विच कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने के लिए। पर करना सिंपल ही है, वही पहले एक्स फाइंड कर लेंगे, क्लास इंटरवल्स है और एक्स के बाद, और फ्रिक्वेंसी है और एक्स है, उसमें ए अननोन है, डायरेक्ट मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। 12th वाला देखो आप, इसमें देखो कभी भी वो ऐसा क्वेश्चन देता है तो हमेशा एक तो फ्रीक्वेंसी का सम गिवन करेगा वो, जैसे यहाँ पर मीन भी गिवन करेगा और फ्रीक्वेंसी का सम। मीन गिवन किया 62.8 एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 50 गिवन किया है, लेकिन अगर सिंगल अननोन है इसमें तो वो सिर्फ मीन गिवन करता है, सम गिवन नहीं करता। तो अगर हमारे पास टू अननोन्स हैं देन वो हमें मीन भी गिवन करेगा और हमें फ्रीक्वेंसीज का सम भी गिवन करेगा, सिग्मा एफ भी गिवन किया है इसने, जैसे यहाँ पर 50 गिवन किया है। करते हैं इसको, यहाँ पर देखो इन सभी का सम इसने गिवन किया है कितना, 50। सिग्मा एफ गिवन किया है 50, लेकिन हम इसे पी के टर्म्स में भी फाइंड करेंगे, पी एंड क्यू के टर्म्स में, और फिर हम सिग्मा एफ के इक्वल भी रखेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है, मीन गिवन किया है कितना, 62.8, 62.8 मीन गिवन किया है एंड सिग्मा एफ गिवन किया है 50। ओके, देन आप क्या करोगे यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए, वही प्रोसीजर वही सेम रखना है, एक्स फाइंड करते हैं, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, 10 मिलेगा, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ 20, 20 का गैप होता है, मिलेगा 30। ओके, यहाँ पर 20, फिर यहाँ 50, फिर यहाँ 70, फिर यहाँ 90 और फिर यहाँ 110, ये होगा हमारा सिंपल 110, ये होगी एक्स की वैल्यू, ये एक्स हो गया फाइन। देन आप क्या करोगे इसमें, एफ एक्स फाइंड कर लोगे। देखो तो इसको डायरेक्ट मेथड से ही करना, क्योंकि अगर आपने इसमें शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन किया तो फिर ये टफ हो जाएगा, क्योंकि फिर इसमें अननोन भी है। तो 5 टाइम्स 50, 30 से इसको मल्टीप्लाई कर लो 30p, एंड 10 से मल्टीप्लाई करोगे 500, क्यू से मल्टीप्लाई करोगे 70p और क्यू, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 9 से कितने होते हैं, 9 7 63, एंड 8 से करेंगे हम 880, ये हो जाएगा सिंपली, ये सिंपल हो गया हमारा। एंड देन आप क्या करोगे इसमें, सिग्मा एफ एक्स फाइंड करोगे। तो सिग्मा एफ एक्स फाइंड करने में ये पी और क्यू वाली वैल्यू हटाकर सभी को ऐड कर लो, 50 एंड ये 500, 550, इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, 8 और 6 14, 1400 ये, एंड 1400, 1500, 1510, 1510, तो ये आ रहा है हमारा, इन सभी को ऐड कर रहे हैं हम। ओके, एंड इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 550 आ रहा है, तो जाएगा हमारा 06 एंड ये 2060, 2060 क्या हो गया हमारा, इनका सम हो गया, एंड ये 30p एंड ये 70q। ओके, इसमें ऐड कर लो 30p एंड 70q, इसका जो सम है ये आ रहा है हमारा 2060, 30p प्लस 70q ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, सिग्मा एफ 50 है हमारा, लेकिन सिग्मा एफ भी फाइंड करेंगे पी एंड क्यू के टर्म्स में, 5 एंड 10, 15, 15 एंड ये 15 कितना हो जाएगा, 30, तो ये हो जाएगा 30 प्लस पी प्लस क्यू, तो बस सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, सिग्मा एफ की वैल्यू आ रही 30 प्लस पी प्लस क्यू और इक्वल्स टू में 50। 30 इधर माइनस करोगे, पी और क्यू में एक रिलेशन मिल गया हमें, मीन्स इक्वेशन मिल गई हमें, ये 20 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब ऐसी सेम इक्वेशन हम किससे ड्राइव करेंगे, मीन के फॉर्मूले से, कि मीन इजिकल्स टू क्या है हमारे पास, देखो मीन से अगर हम देखें तो मीन इजिकल्स टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास। ओके, कितनी है, 2060 प्लस 30p प्लस 70q और डिवाइड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू लेंगे हम 50, सिग्मा एफ की वैल्यू क्या लेंगे हम 50 लेंगे,
सिग्मा एफ मीन्स टोटल जो उसका सम है वो कितना ले लेंगे हम, 50 लेंगे। वैसे हम ये भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये लिया तो ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन टफ होगी। यहाँ पर सिंपल 50 ले लेंगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, बचेगा ये वाली वैल्यू, तो इसको हम इधर ले लेते हैं। यहाँ पर 2060 30P 70Q 50 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 62.8 मल्टीप्लाइड बाय 50, पॉइंट आउट नीचे 10, 0 0 कैंसिल, 5 8 40 का 0 4 कैरी, 5 8 40 का 0 4 कैरी, 5 2 10 और 4 14 1 कैरी, 5 3 30 और 1 31 ये हो जाएगा 3140। अभी 2060 इधर माइनस कर लो, 30P प्लस 70Q माइनस करो इधर 2060 यहाँ 0, यहाँ पर 14 में से 6 करेंगे 8, यहाँ पर 0 का 0 रहेगा और यहाँ 1, तो आ रहा है 1080 करेक्ट आ रहा है 1080। हाँ यस 1080, तो यहाँ पर 1080। एंड देखो 10 से सभी को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3P7Q एंड 10 से इसको डिवाइड करेंगे 108, ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। अब देखो ये वाली सेकंड इक्वेशन एंड ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में आप 3 की मल्टीप्लाई करके सेकंड के साथ सोल्व कर लो, तो अगर हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 3P प्लस 3Q एंड 3 2 60 माइनस कर लो, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 4Q एंड ये 60 माइनस कर दो, इसमें से 108 में से कितना आएगा 4 और ये 48, क्यू की वैल्यू कितनी जाएगी 4 1 4 4 2 8, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 12। ओके क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, क्यू की वैल्यू 12। देन आप क्या करोगे, इसमें फाइंड करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पी की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू की वैल्यू है 12 एंड इक्वल्स टू में 20, पी इजिकल्स टू 12 माइनस कर दो ये हो जाएगा 8, पी इजिकल्स टू 8, क्यू इजिकल्स टू 12, पी इजिकल्स टू 8 एंड क्यू इजिकल्स टू 12, बस ये आपको फाइंड करना था सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इसका, तो कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना था, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से सिंपल लगने लगेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, देखो अब इसमें ये कह रहा है कि द डेटा ऑन द नंबर ऑफ द पेशेंट अटेंडिंग अ हॉस्पिटल इन अ मंथ आर गिवन बिलो, फाइंड द एवरेज, एवरेज मींस मीन फाइंड करना, नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडिंग द हॉस्पिटल इन अ मंथ बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड आपको यूज करना है। एंड इसमें कह रहा है कि टेक एज्यूम मीन 45 और आपको एज्यूम मीन 45 ही लेनी है, तो एज्यूम मीन यहाँ पर हमारी 45 आएगी, आप उसे 45 का एज्यूम मीन लेकर इसको सोल्व कर दोगे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 14 वाले में क्लास टीचर एज द फॉलोइंग एबसेंट रिकॉर्ड ऑफ द 40 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास फॉर द होल टर्म्स, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट, तो आपको यहाँ पर भी मीन फाइंड करनी है, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल कैसा है, 0 to 6 है, यहाँ पर 6 to 10 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है हमारा सिर्फ 6 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 4 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, देखो डिफरेंस यहाँ पर वेरिएट कर रहा है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें हमें क्या करना है, मीन ही फाइंड करना है। देखो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक्स ही फाइंड करते हैं, लेकिन जब हम इसमें एक्स फाइंड करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, जैसे 0 to 6 मीन्स दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो 3, यहाँ पर दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो कितना मिलेगा 6 और 10 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, दोनों को प्लस करो 24 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 2 12, दोनों को प्लस करो 34 डिवाइड बाय 2 17 एंड 20 और ये हो जाएगा 48 का हाफ 24 28 और ये हो जाएगा 8 और 8 16 का 6 1 ये हो जाएगा 66 का हाफ 33। ओके एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 78 और 78 का हाफ 2 3 6 एंड 39 ये होगा 2 3 6 1 कैरी 2 9 18 39 ये सिंपल हो गया एक्स। देन आप क्या कर लो इसमें डायरेक्ट मेथड यूज करो एफ एक्स के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 33 80 12 से हम कितने होते हैं 84 एंड 14 17 4 से कितने होते हैं 68 20
फोर फोर से कितने होते हैं 96, 33 से 99, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, ओके ये होगा, एफ एक्स है, ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया हमने, सिग्मा एफ एक्स फाइंड कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स फाइंड करो कितना आएगा, तो इनको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर इन सभी का सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 499, ओके इन सभी का सम कितना आ रहा है 499। एंड यहाँ पर सिग्मा एफ करना है हमें, क्योंकि हमें मीन फाइंड करना है, तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ भी चाहिए, और ये कितना आ रहा है 40। एंड देन आप अगर उसमें फाइंड कर रहे हो मीन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से, तो कितना मिल रहा है हमें, सिग्मा एफ एक्स है 499 एंड सिग्मा एफ है 40, डिवाइड कर दो कितना आएगा 12.475। तो सिंपल ये हो गया हमारा इसका आंसर 12.475। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, सिंपल इस टाइप से करना था हमें क्वेश्चन नंबर 14। इसका लास्ट क्वेश्चन था, तो ये एक्सरसाइज हमारी 21.1 में सेकंड पार्ट था इसका, ये कंप्लीट हो जाती है। इसमें नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे हम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।